बच्छू बरस गाय और माता के सम्मान से दीपावली का प्रारंभ बच्छू बरस से। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको उत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार एक उत्सव पर्व के जैसा ही होता है। विभिन्न प्रकार के त्यौहार उत्सव मनाए जाते हैं। आज हम इन उत्सवों का महत्व एवं उनकी शास्त्रोक्त पूजा विधि का विस्तार से समझेंगे। उसके अनुसार आज हम दीपावली के उत्सव का प्रारंभ जिससे होता है, ऐसे गोवस्त द्वादशी या बच्छू बरस के संदर्भ में वार्तालाप करेंगे। इसलिए आज के भाग को आप ध्यान से सुने ताकि दीपावली के त्यौहार का शास्त्रोक्त विधि से मनाकर आप उसका पूरा आनंद लें और तरक्की करें। अपने विभिन्न वीडियो में मैं सदैव कहती हूँ कि त्यौहार उत्सव परंपराएं व्रत हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग है। उसके बिना हमारी संस्कृति को वास्तव में हमारे संपूर्ण जीवन को पूर्णत्व प्राप्त नहीं हो सकता। इन परंपराओं में अध्यात्म श्रद्धा संस्कार प्रेम उत्साह एक दूसरे के प्रति सम्मान रिश्तों की भावना पारिवारिक एकता जैसे विभिन्न चीज़ों का अंतर्भाव होता है। अर्थात यह सब चीज़ें हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उन परंपराओं से सीखते हैं। एक प्रकार का संदेश उनसे दिया जाता है। उसमें दीपावली को सबसे बड़ा त्यौहार सबसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हर कोई दीपावली के उत्सव की हृदय से प्रतीक्षा करता है। दीपावली की विशेषता यह है कि युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए इस उत्सव में विभिन्न उद्देश्यों से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अलग अलग औचित्य के साथ लगातार 4-5 दिन यह उत्सव मनाया जाता है। हिंदू दिनदर्शिका के अनुसार दीपावली का उत्सव अश्विन वद्य द्वादशी से प्रारंभ होता है। इसलिए हम इस दिन को दीपावली का पहला दिन कह सकते हैं। भारत एक खंडप्राय देश है, यह विविधता में एकता पाई जाती है। यह विविधता त्यौहार उत्सव परंपराओं में भी होती है। त्यौहारों को विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है, उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। विविधता होने के बाद भी उत्सव उसका महत्व एवं उसका कारण एक ही होता है। उस अनुसार दीपावली का पहला दिन भी यहाँ प्रदेशानुसार विभिन्न नामों से जाना जाता है। उसमें गोवस्त द्वादशी बच्छू बरस इन दो नामों का मुख्य रूप से उल्लेख किया जाता है। महाराष्ट्र में यह तो त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में इस दिन का विशेष महत्व है। उसके बाद गुजरात में इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वास्तविक रूप में पूरे देश में इस दिन को दीपावली का पहला दिन माना जाता है। तो अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह दिन क्यों मनाया जाता है। तो अत्यंत सरल शब्दों में कहा जाए तो गाय और माता के सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। साथ ही संतान की लंबी आयु के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए भी यह दिन मनाया जाता है। हमारे देश में गाय का धार्मिक महत्व अत्यंत बड़ा है। गाय को केवल उपयोगी पशु के रूप में हमारे यहाँ देखा या माना नहीं जाता। पौराणिक काल से हमारे संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। वास्तव में जैसे वह हमारे परिवार की एक सदस्य है, ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाता था, आज भी किया जाता है। इस संदर्भ में पुराणों में विभिन्न प्रकार की कथाएँ उपलब्ध है। उसमें से कुछ कथाएं राजस्थान से संबंधित है तो कुछ कथाएं गुजरात राज्य से जुड़ी है। इन कथाओं का सार संक्षेप में यह है कि गाय का बछड़ा मारा जाता है और गाय अपने सामर्थ्य से उसे पुनर्जीवित करती है।
इसके अलावा एक और कथा है, जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से कई मूल्यवान चीजें निकली। उसमें 5 कामधेनु गायें भी थी। उसमें से नंदा या नंदिनी नामक कामधेनु गाय के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। गोवस्थ द्वादशी या बच्छु बारस से दीपावली का उत्सव प्रारंभ होता है। आज मैं आपको इसकी शास्त्रोक्त पूजा विधि बताने जा रही हूँ। इस दिन के कुछ शास्त्रीय नियम भी हैं, उनसे भी आज हम परिचय करेंगे। इस दिन की कथाओं की ओर मैंने सोच समझकर अनदेखा कर रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य कथा को समझना नहीं है, बल्कि इस दिन के महत्व और उसकी शास्त्रोक्त पूजा विधि को समझना है, ताकि आप इन दिन को पूरे श्रद्धा और उत्सव के साथ मना सकें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, गोवस्थ द्वादशी के दिन गाय की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन हर कोई गौशाला जाकर पूजा नहीं कर सकता। इसलिए हम इस दिन को अपने घर में ही शास्त्रोक्त पूजा करके मना सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पूजा करनी है उस जगह को स्वच्छ कर लें, वहाँ चौरंग लगाएं। उसके बाद चौरंग पर मिट्टी से बनी गाय की मूर्ति को आप पूजा के लिए रख सकते हैं, या बाजार में अन्य प्रकार की मूर्तियाँ भी उपलब्ध होती है, उसे आप ला सकते हैं। यदि वह भी संभव न हो तो आप चौरंग पर चावल से चाय का चित्र बना सकते हैं। वास्तव में प्रत्यक्ष गाय और उसके बछड़े की पूजा करना इस दिन की विशेषता होती है, लेकिन आज सभी को यह संभव नहीं है, इसलिए इस पद्धति से भी विधिवत पूजा की जाती है। यदि आपके पास गाय उपलब्ध हो तो सबसे पहले गाय के पैर पानी से धो लें, उसे हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, दीपक जलाकर गाय का औक्षण करें। उसके बाद हमारे यहाँ गोग्रास की एक अत्यंत सुंदर प्रथा है, उस अनुसार गाय को मीठा खिलाना चाहिए। साथ ही कुछ जगहों पर उड़द दाल के वड़े बनाने की परंपरा है, वे गाय को खिलाएं। गाय के साथ साथ बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए, फिर गाय को प्रदक्षिणा कर उसे नमस्कार करें। साथ ही गाय को चारा देना न भूलें। यह गोवस्थ द्वादशी पर की जाने वाली पूजा की शास्त्रोक्त विधि थी। साथ ही इस दिन के कुछ शास्त्रोक्त नियम भी है, उसमें मुख्य रूप से इस दिन गेहूं और मूंग का खाना वर्जित होता है। किसी भी उद्देश्य या काम के लिए चाकू का उपयोग नहीं किया जाता। दूध, चावल या दूध से बने पदार्थ को खाना वर्जित होता है। इस प्रकार के अत्यंत सरल नियम होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बड़ा होता है। यदि आपके पास गाय उपलब्ध है तो आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप घर पर पूजा कर रहे हो तो वहाँ भी आप इस प्रकार की पूजा कर सकते हैं। उसमें गाय की मूर्ति को लौंग, हल्दी, कुमकुम चढ़ाएं। दीपावली को तेज या प्रकाश का उत्सव माना जाता है, इसलिए दीपावली में दिए प्रज्वलित करने की परंपरा है। यह वह दिन होते हैं जब सर्दी शुरू होती है और दीपावली के दियों से वातावरण में गर्मी उत्पन्न होती है। उस अनुसार गोवस्थ द्वादशी को कम से कम 12 दीपक अवश्य लगाएं। इन दियों में हम किसी भी तेल का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यदि संभव हो तो सरसों या तिल के तेल का उपयोग करना लाभकारी होता है, फिर भी आप अपनी इच्छा के अनुसार यह काम करना चाहिए, क्योंकि तेल कोई भी हो उसके पुच्छे की भावना अधिक महत्वपूर्ण होती है। साथ ही पूजा के बाद शाम को पूरे परिवार के साथ भोजन करना चाहिए। भोजन में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, चना दाल का सेवन किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप इस दिन भी किसी भी उद्देश्य से चाकू का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए मुख्य रूप से गवार की सेंग की सब्जी बनाई जाती है।
क्योंकि गवार की सेंग हम हाथों से तोड़कर उसकी सब्जी बना सकते हैं। इस दिन घर की महिलाएं एक समय भोजन कर उपवास का व्रत रखती है। साथ ही नंदिनी कामधेनु गाय से प्रार्थना करती है कि हे माते, आप मेरी और मेरे बच्चों की और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करें। संक्षेप में, गोवस्त द्वादशी का त्यौहार मनाकर दीपावली के उत्सव का प्रारंभ किया जाता है। इस दिन कम से कम एक दिन पहले घर की स्वच्छता पूरी कर लेनी चाहिए ताकि घर में उत्सव का वातावरण पहले से ही बने। दीपावली के पहले ही दिन से आप उत्सव का आनंद ले सकें। इस वर्ष अर्थात 2021 में नवंबर के पहले दिन ही यह त्यौहार आ रहा है। अश्विनी वद्य द्वादशी 1 नवंबर को आ रही है। इस दिन गाय की पूजा एवं उसका सम्मान कर उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से संतति के दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। माता और संतति के रिश्ते का सम्मान इस दिन किया जाता है। इस दीपावली को आप सभी के लिए सुख समृद्धि और वैभव लेकर आए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। गोवस्त द्वादशी के साथ दीपावली के सभी दिनों की शास्त्रीय जानकारी एवं पूजा विधि हम आपके लिए देने वाले हैं। इस पर हम हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करेंगे, आप उसका अवश्य लाभ उठाएं। मुझे लगता है कि गोवस्त द्वादशी या बछरू बारस शास्त्रीय महत्व एवं पूजा विधि को रेखांकित करने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। तो चलिए आज हम यही रुकते हैं। यदि आपको यह शास्त्रीय जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। इस प्रकार ज्योतिष की नई जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।